हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। वेदांता क्लासेस में आज नया क्या है, आज इस वीडियो में नया क्या है और नया जुड़ने के लिए क्या है? तो आज है 11th and 12th का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग 10th से ही आप लोग पढ़ते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो जो भी न्यूक्लियस में जो भी सेंटर में होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन का कोई नहीं, ना वो प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या क्या है, तो न्यूट्रॉन प्लस में होता है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी एटम का जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी कि इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, आखिर इनमें इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता कितनी होती है और कैसे होती है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं शब्द के बारे में। तो हम लोग जानते हैं किसी भी परमाणु में क्या होता है, नाभिक होते हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियस या सेंटर कहते हैं। तो नाभिक में क्या होता है, कक्षाएं इनके वर्ग होते हैं, यानी कक्षाएं होती है के एल एम एन। और इनमें इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कितनी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की इनमें क्षमता होती है, कितनी इलेक्ट्रॉन ये लोग होल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का क्या है, ये एक सेंटर है, न्यूक्लियस। तो इसमें सबसे पहले कक्षा में आते हैं के एल एम और एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 से ज्यादा नहीं होता 8 इलेक्ट्रॉन, एन में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये लोग इतने इलेक्ट्रॉन को अपने सेल अपने कक्षा में क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट आइए सबसेल के बारे में। इनके सबसेल होते हैं, उपकक्षा होते हैं, जिनको एसपीडीएस से डिनोट किया जाता है। एसपीडीएस यानी इनके उपकक्षा होते हैं, ये लोग कहीं इनके कक्षा होगा लेकिन इनका एक उपकक्षा होता है जिनको हम लोग सब सेल कहते हैं, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ में क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन करके इनके ब्लॉक्स में भरे होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इनके ब्लॉक्स में 2-2 कर पेयर के रूप में भरे होते हैं, और एक ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन यानी 2-2 पेयर के रूप में 7 ब्लॉक्स तक भरे होते हैं। इतना तक आप लोग समझ चुके हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रूप में, जोड़े के रूप में रहते हैं। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को, इनके इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स अगर आपको दिया जाएगा कि आप लोग एसपीडीएफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप लोग ब्लॉक्स में कैसे भर सकते हैं, तो इस ब्लॉक को 2 इलेक्ट्रॉन को एक ब्लॉक में 2 के साथ, पी ब्लॉक को 2-2 पेयर्स के रूप में और डी ब्लॉक को 2-2 पेयर्स के रूप में 5 ब्लॉक्स में भरते हैं, और एफ ब्लॉक को जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2-2 पेयर्स के रूप में 7 ब्लॉक्स में भर के रखते हैं। इतना तक आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ चुका होगा। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगी इनका ट्रिक, क्या है इनका ट्रिक। तो ट्रिक लिखने का सबसे पहले है, आप लोग होल्ड करके रखिएगा कि आप ऐसे पेयर बना सकते हैं, यानी पहले एस सबसेल को लिख सकते हैं, पी सबसेल को लिख सकते हैं, डी को सबसेल को लिख सकते हैं और एफ सबसेल को लिख सकते हैं। तो इस ब्लॉक को, इस सबसेल को लिख लीजिए, 8 तक भी आता है, आप 6 तक भी लिख सकते हैं या 8 तक भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस 7 तक एस को लिखा है, तो एस 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 एस,
नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, क्लियर है आप लोग का। फिर पी सब सेल आते हैं, पी ब्लॉक में हम लोग जाते हैं। पी में पी पी वन एक को छोड़कर लिया जाता है, फर्स्ट में एस है तो टू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में है एस तो टू से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग को पी ब्लॉक पी सब सेल को लिखना है तो हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड में 2P, 3P, 4P, 5P, 6P एंड 7P। अब पी सब सेल के बाद कौन सा सब सेल आता है, तो डी सब सेल आता है। वैसे ही करेंगे, एक छोड़कर यानी 2P को छोड़कर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3D, 4D, 5D, 6D एंड 7D। ठीक है, फिर डी सब सेल को लिखने के बाद हम लोग किस सब सेल को लिखेंगे, एस सब सेल को। तो एस ब्लॉक को जब हम लोग लिखते हैं तो डी को छोड़कर, मैं अभी बताई हूँ कि सभी सेल के ब्लॉक को एक एक ब्लॉक को छोड़कर लिखा जाता है, तो एक एक ब्लॉक को छोड़कर हम लोग लिखते हैं। तो ये डी से 3 से है, यहाँ 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आ रहा है समझ में? तो 4A, 5A एंड 6A। अब लिखने का तरीका आप लोग जानिए, अगर आप लोग का बोले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको हो तो फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टेन, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3D के बाद क्या आता है, 4P आता है, 4P लिख सकते हैं। 4P के बाद आता है 5S, तो 5S लिख सकते हैं। 5S क्या आता है, 4D, 4D लिख सकते हैं। फिर 5P लिख सकते हैं, 5P6। फिर 5P के बाद आता है 6S, 6X लिख सकते हैं। 6 के बाद आता है 5D, 4S, तो 4S लिख सकते हैं। 4S के बाद आता है 5D, 5D को लिख सकते हैं। 6P, 6P को लिख सकते हैं। 7S, 7S को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे नंबरिंग ऑफ ब्लॉक का हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग को लिखा जाता है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको अगर दिक्कत होती हो तो आप लोग ऐसे भी करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु संख्या कितना होता है। तो जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। आप लोग अगर याद किए होंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा एंड जिंक। तो जिंक का कितना होता है 30। एटॉमिक नंबर कितना है 30 यानी 30। तो जब 30 जिंक का एटॉमिक नंबर पर ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, किस पर लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के ही बेसिस पर हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो 30 आ गया, 30 को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, 3P6, 4S2 एंड 4D10। यानी जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20 और 20 और 10, 30। आ चुका है पूरा, इतना आप लोग को समझ में आ चुका। अगर जिंक का एटॉमिक नंबर लिखना है तो 30, तो 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो मैं समझाई हूँ, फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू एंड 4D10। अगर आप लोग को बोलेगा जैसे मैं आप लोग को लिखना होगा, आप कोई भी एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर ओ का लिखना है एटॉमिक नंबर, अभी मैं छोटा छोटा बता रही हूँ कि अगर आगे आप लोग का लिखना रहेगा, अभी मैं स्टार्टिंग से शुरुआत कर रही हूँ। अगर आपको ऑक्सीजन का लिखना हो रहेगा, चलिए मैं सोडियम का बताती हूँ। सोडियम कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, कितना होता है 11। तो हम 11 सोडियम का कैसे बनाएंगे, फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स और 3H1, 10 और 1 11, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं सोडियम के बाद, अगर आप लोग और किसी का लिख सकते हैं, जैसे में कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 20, यानी 20। 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स एंड 4S2। 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। हम लोग कैसे जोड़ते हैं, 20 कैसे आता है, ये काउंटिंग ऊपर का जितना है ब्लॉक का काउंटिंग होता है, ये अगर सबसेल के ऊपर में जो नंबरिंग किया हुआ है इनका काउंटिंग किया जाता है, 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, ऐसे हम लोग नंबरिंग को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे इसको भी काउंट करेंगे, 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, ठीक है। वैसे ही सोडियम को हम लोग नंबरिंग करेंगे, 2 2 4 4 6 10 और 10 1 11। आगे आप लोगों को समझ में, फिर मैं आगे बता रही हूँ और किस किस चीज का हम लोग कर सकते हैं। तो और आप लोग ऐसे भी घर पर बना सकते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, जैसे में और होता है, जैसे आप लोग क्लोरीन का कितना होता है 17, क्लोरीन का 17। अगर आप लोग को याद नहीं है तो एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यह बेसिस बहुत अच्छी होती है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। तो क्लोरीन को ही नहीं, और सभी को आप लोग बना सकते हैं। तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उसी को आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। इसी प्रकार और सब एलिमेंट्स आते हैं, तो एलिमेंट्स में और आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे में हम लोग काउंट करके लिखेंगे। एटॉमिक नंबर किसी का भी लिखना हो तो काउंट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना आया, मैग्नीशियम का होता है 2s, कितना होता है 2s। तो फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, फिर 3s2, ऐसे। इससे आप लोग को नहीं आता होगा तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्टेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर याद नहीं हो तो आप लोग आगे याद कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी फास्फोरस का मैं लिखती हूँ, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 50। तो फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी, 10, 10 2 12, 12 और 3 15।
इसको कम करके लिखा जाता है। अगर जिसका कम एटॉमिक नंबर हो, सिक्स के नीचे लिखा जा सकता है, सिक्स के ऊपर नहीं। जैसे टी में सिक्स आता है, तो अगर जरूरत पड़ने पर उसे घटाना पड़े तो आप उसे लिख सकते हैं, और अगर इससे सिक्स से अगर अधिक लिखना है टी पर तो नहीं लिखाता है, मैक्सिमम इस पर सिक्स होता है। अगर आप लोग का जरूरत है कम लेना है तो कम हो सकता है टी पर, लेकिन सिक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोग टी पर थ्री भी दे सकते हैं, फोर भी दे सकते हैं, फाइव भी दे सकते हैं, सिक्स दे सकते हैं, लेकिन पी पर सेवन नहीं दे सकते, क्योंकि पी का लॉर्ड है, पी हमेशा सिक्स में रहता है, एस हमेशा टू में, पी हमेशा सिक्स में। जैसे मैं लिखी हूँ कि एस हमेशा टू में रहता है, पी हमेशा सिक्स में रहता है, और डी हमेशा टेन में रहता है, और एफ हमेशा फोर्टीन यानी चौदह में रहता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए मैं एक आसान तरीका मैं बता चुकी हूँ, और अगर आप लोग को इसमें लिखना है कि हम लोग को और एटॉमिक नंबर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें एटॉमिक नंबर लिखने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो अगर आप लोग को क्या चीज़ का आर्गन का अगर लिखना है एटॉमिक नंबर, तो आर्गन का कैसे लिख सकते हैं, आर्गन का लिखने के लिए 18 है, तो फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स। और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मिनिमम 30 के अंदर में ही हुआ, जिसका हम एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। मैं 30 से ऊपर से मैं और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।